जो है मनाने के लिए हवाले से हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जहाँ पे मेहनतकश औरत के साथ जो कुछ ज्यादती होती है यहाँ पे और जो मुजाहमत का पार्ट है जिसके अंदर जो है वो मारंग है, ससी है, मतलब ये नौजवान ख़वातीन है, इसी तरह से सिंध के अंदर जो है वो समी है, समी है, ससी है, ये सारी ख़वातीन हैं कि जो मेहनतकश औरत मेहनतकश तबके से ताल्लुक़ रखती हैं और जो मुज़हमत कर रही हैं, जो जमहूरियत की बात कर रही है, जो जमहूरी आज़ादी की बात कर रही है, आइन की बालादस्ती की बात कर रही है, यहीं पे इसी तरीके से जो है वो मेहनतकश ख़वातीन हैं जो सदियों से यहाँ पाकिस्तान के अंदर ख़ास तौर पर अपनी उजरत को यकसा करने के लिए जो है जदोजहद कर रही हैं, जो सोशल सिक्योरिटी है उसकी बात कर रही है कि इन इदारों के अंदर उनकी रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, लेकिन अभी तक उनकी रजिस्ट्रेशन नहीं है। इसी तरीके से ज़्यादातर औरतें 98% जो है वो औरतें जो हैं वो थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम में जो है काम कर रही होती, जहाँ छुट्टी की भी जो है उनको गुंजाइश नहीं होती, छुट्टी करेंगे तो पैसे कट जाएंगे। तो इन सारी जो चीज़ें जो ज्यादती हो रही है ख़वातीन के साथ, जो मज़लूम तबके तबकात के साथ जो ज्यादती हो रही है, उनके खिलाफ़ हम जदोजहद को अपनी जारी रखेंगे और वो और ये बुनियादी तौर पर जो मार्च हम कर रहे हैं ये उन सारी औरतों की जदोजहद जो उन्होंने की है 18वीं सदी में, उनकी एक तो याद करना है, दूसरा उनकी जदोजहद के लिए अज़म करना है कि इस तहरीक को हम कहीं नहीं छोड़ेंगे जब तक ये हुकूक सारे मिल ना जाएँ। मेहनतकश औरत रैली 8 मार्च को जो है वो फवारा चौक नियर प्रेस क्लब, यहाँ से हम शुरू करेंगे 2:30 बजे, जो कि आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची में जो है ख़त्म पज़ीर होगी, और फिर इसके अंदर आर्ट्स काउंसिल के अंदर जो है हम कल्चर प्रोग्राम कर रहे हैं। तो आप तमाम साथियों से गुजारिश है कि इसमें शरीक हों। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था वो मेहनतकश औरत रैली की जानिब से थी, और जिस तरीके से यहाँ पर जो है तमाम ऑर्गेनाइजर्स ने, पार्टिसिपेंट्स ने औरत के हकूक़ के हवाले से बात की, और यहाँ पर डिफरेंट रीजन से ख़वातीन आए थे और सब का एक ही जो है मोटिव था कि जो मज़लूम ख़वातीन हैं जिन पर हर जो है किस्म की जुल्म व जबर हो रही है, चाहे वो रियासती है, चाहे वो मर्दाना समाज की तरफ से है, चाहे वो जो है इदारों में, चाहे वो मज़दूर हैं मजदूरी के तौर पर जो है उनको हरासा और मुख्तलिफ़ तरीके से उनको जो है ज़हनी दबाव के शिकार ख़वातीन हैं, उनकी हकूक़ के लिए आवाज़ उठाना है। और जो है मेहनतकश औरत रैली 8 मार्च को हो रही है, और पूरे जो है पाकिस्तान समेत दुनिया भर में जो 8 मार्च ख़वातीन के आलमी दिन के तौर पर मनाया जाता है, इस दिन के मुनासबत से मैं उन तमाम ख़वातीन के हकूक़ की हिमायत करने वाले लोगों से दरख्वास्त करती हूँ कि इस जो है दिन के हवाले से जो जबरी तौर पर गुमशुदा अफराद के लवाइकीन हैं, जो इस वक्त मैं समझती हूँ इंसानी हकूक़ की बदतरीन जो ख़िलाफ़ वर्जी है, वो जो है जबरी गुमशुदगियाँ हैं, और इस पर सबसे ज़्यादा जो सफ़र कर रही है वो उसके जो है घर के औरतें हैं, जिसमें उनकी माँ हो, बेटी हो, बहन हो, बीवी हो, वो सबसे ज़्यादा सफ़र कर रही हैं। तो इस दिन के मुनासिबत से जबरी गुमशुदगियों को अपने जो है मुतालिबों में लाया जाए और इसकी जो है जबरी गुमशुदगियों के ख़ात्मे का ऐलान किया जाए। जो आलमी दिन है ना, जो औरतें जो घरों में तशद्दुद होता है किसी औरत पे, और किसी जो 18 साल से कम उम्र की है, 12 साल की उम्र की है, उसे जबरी से जो है ना अपना महजब चेंज कराया जा रहा है, निकाह करवा जा रहा है, उसके हवाले से जो हमारी घर मजदूर औरतें हैं वो 8 मार्च के हवाले से जो हम प्रोग्राम इधर कराची में अपने हकूक़ के लिए बात करेंगे, और जो छोटी हमारी बच्चियाँ हैं, ख़वातीन का यही मसाइल है, क्या है कि अपने हकूक़ के लिए बात करना और अपने जो जुर्म के साथ जो जुर्म हो रहा है उसके हवाले से जो बात करना, ये औरतों को मुनासिब नहीं समझते वो, तो ये औरत अपने हक के लिए नहीं बात करें।